this is Virendra Singh and welcome back at MasterCam CNC Lathe Operations Tutorial. MasterCam के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस पार्ट में मशीनिंग करने वाले हैं. तो इसमें आप वीडियो में तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा फेसिंग ऑपरेशन, देन सेकेंड वन रहेगा हमारा डायनामिक रफिंग ऑपरेशन एंड थर्ड वन रहेगा हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन. सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम एक सॉलिड मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं मास्टरकैम में और सीएनसी कटिंग करने के लिए उसे हम प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं. और इस वीडियो में हम जो है आपको तीन अलग अलग ऑपरेशंस करके दिखाने वाले हैं, शो करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो मैं तीनों ही ऑपरेशंस को डिलीट कर लेता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं फिर से. तो मैंने तीनों ही ऑपरेशंस को डिलीट कर दिया है. अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ. ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था कि जॉ सेटअप कैसे करते हैं, स्टॉक सेटअप कैसे करना है, किसी मॉडल में से किस तरीके से हमें पार्ट सेटअप करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम फेसिंग ऑपरेशन के बारे में. फेसिंग ऑपरेशन समझने के लिए हमें क्लिक करना है फेस पर, देन हमें सिलेक्शन करना है प्रॉपर टूल. सपोज मैं टूल सिलेक्शन कर लेता हूँ 0.8 का OD रफ टर्निंग ऑपरेशन के लिए. तो इसके लिए मुझे यहाँ पर दे देना फीड, देन यहाँ पर दे देना मुझे स्पेंडल स्पीड मिनिमम एंड यहाँ पर दे देना मैक्सिमम. देन मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख देना यहाँ पर जो भी मेरा ऑपरेशन है. सपोज मेरा अभी ये फेसिंग ऑपरेशन है, देन मुझे करना है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का अर्थ हो गया कि कटिंग करने के लिए टूल जब आएगा होम पोजिशन से सबसे पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर कटिंग करने के लिए आ जाएगा. सो नेक्स्ट वन है हमारा फेस पैरामीटर. फेस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं एंट्री अमाउंट. एंट्री अमाउंट का अर्थ हो गया कि कटिंग करने के लिए जैसे ही हमारा टूल एंट्री करेगा तो कितने एम एम ऊपर से वो रैपिड टू कटिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारा 2 mm है. देन फेस कितना एम एम करेगा, अभी फेस करने वाले हैं हम रफ स्टेप ओवर. रफ स्टेप ओवर का अर्थ है कि फेसिंग करने के दौरान डेप्थ ऑफ कट कितना लेगा. तो फेसिंग के दौरान हमने डेप्थ ऑफ कट लग दिया 0.5 और फिनिशिंग के लिए हमने नंबर ऑफ पासेस लिखे हैं और इनके लिए डेप्थ ऑफ कट जो है हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं कितना 0.2. फिनिश स्टेप ओवर अर्थात फिनिशिंग के लिए डेप्थ ऑफ कट, रफ स्टेप ओवर अर्थात फिनिशिंग से पहले के जितने भी डेप्थ ऑफ कट है वो वैल्यू यहाँ पर. नेक्स्ट वन है हमारा ओवरकट अमाउंट जो है हमने यहाँ पर इनपुट किया 1 mm. ओवरकट का अर्थ है कि हमारा टूल कटिंग करने के लिए फेसिंग में जब ऊपर से आएगा तो सेंटर लाइन से कितना mm नीचे तक जाएगा, तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पर इनपुट करते हैं. एंड नेक्स्ट वन है रिट्रैक्ट. रिट्रैक्ट का अर्थ है कि कटिंग करने के दौरान देन टूल को रिट्रैक्ट होना है फिर ऊपर की तरफ उठना है, तो रिट्रैक्ट कितने एमएम होना है 1 mm. और रिट्रैक्ट होगा वो किस में होगा, रैपिड में रिट्रैक्ट होगा. देन यदि हम चाहते हैं कि इस कटिंग ऑपरेशन के बाद भी यदि स्टॉक रहे तो इसके लिए यहाँ पर हम स्टॉक छोड़ सकते हैं, जितना भी हमें वैल्यू फेस में स्टॉक छोड़ना है. देन हमें क्लिक करना है ओके. तो मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक किया, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा ऑटोमेटिकली फेसिंग का ऑपरेशन जो है क्रिएट हो चुका है, फेसिंग का ऑपरेशन बन चुका है. देन नेक्स्ट वन जो ऑपरेशन है हमारा डायनामिक रफिंग. डायनामिक रफिंग बेहद ही सिंपल, इजी और फास्ट फॉर्म में कटिंग करने के लिए इस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं. तो अभी हमें कटिंग करना है कहाँ से, यहाँ से लेकर के लास्ट तक, यहाँ तक. देन हमने क्लिक किया ओके पर. अब हम टूल ले लेते हैं. सपोज़ हमने टूल ले लिया डायनामिक रफिंग ऑपरेशन है, तो डायनामिक रफिंग के लिए आर रेडियस टूल लेना है. तो सपोज़ हमने ले लिया यहाँ पे R5 का ये टूल. इसके लिए फीड जो है हम थोड़ा सा कम रखते हैं, स्पेंडल स्पीड 250 एंड 1200. अब यहाँ पे हमने लिख दिया OD डायनामिक रफ. देन हमें क्लिक करना है रेफरेंस पॉइंट सिलेक्शन कर लेना है. फॉर एग्जांपल के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर दे दिया है एंड क्लिक करना है ओके. अब हम बात करते हैं डायनामिक रफिंग पैरामीटर के बारे में. डायनामिक रफिंग पैरामीटर में सबसे पहला आता है हमारा स्टेप ओवर, कि जो भी हमारा इंसर्ट या टूल है उसका स्टेप ओवर कितना है, डेप्थ ऑफ कट कितना है. अभी हमारा यहाँ पर जिस 50% है जिसका अर्थ है 2.5 का स्टेप ओवर है, बट हम इतना स्टेप ओवर नहीं रख सकते. हम इसके लिए स्टेप ओवर रखते हैं 0.5 अर्थात टूल का जो भी हमारा इंसर्ट का रेडियस है उसका 10% ऑफ.
अब यदि हम चाहते हैं कि इसके कटिंग के बाद भी यदि स्टॉक बचा रहे तो कितना स्टॉक रखना है एक्स में और कितना स्टॉक रखना है जेड में, वो वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करके हमारा स्टॉक छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन चीज़ आती है हमारा कटिंग मेथड। कटिंग मेथड का अर्थ होता है कि आपको जिगजैग फॉर्मेट में, जिगजैग का अर्थ क्या है, आपका इधर से कटिंग करते हुए जाएगा, फिर इधर से कटिंग करते हुए आएगा, फिर कटिंग करते हुए जाएगा, फिर कटिंग करते हुए आएगा। एंड सेकेंड वन रहता है वन वे। वन वे का अर्थ क्या है, कटिंग इधर से करेगा, ऊपर उठेगा रिट्रैक्ट, फिर नेक्स्ट कट लेगा, फिर ऊपर उठेगा रिट्रैक्ट, इस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं। तो हमारे पास दोनों ही मेथड है। देन जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं वन वे के अंदर ये हमारा कटिंग फॉर्मेट के लिए इजी से एंड सिंपल मेथड में ऑपरेशन क्रिएट हो चुका है। तो आई विश कि समझ में आ गया होगा कि रफिंग ऑपरेशन किस तरीके से होना है बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक रफिंग की मदद से। सिमिलरली यदि मुझे जिगजैग लेना होता तो जिगजैग के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा हमारा टाइम जो है सेव हो जाता है। जिगजैग के अंदर टूल के रैपिड मूवमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। टूल इधर से आएगा, कटिंग करेगा, फिर इधर से भी कट करेगा, फिर इधर से कट, फिर इधर से कट। सो इस तरीके से हमारा कटिंग करते हुए टूल आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट वन है ऑपरेशन जो है हमारा फिनिशिंग के लिए ऑपरेशन। मैं क्लिक करूँगा फिनिश पर। अब जो मैंने चेन सेलेक्शन की है लास्ट टाइम, मैं चाहता हूँ कि वही चेन सेलेक्शन रहे, तो इसके लिए मैं क्लिक कर देता हूँ लास्ट। मैं लास्ट पर सिलेक्शन करता हूँ, जिसका अर्थ है कि जो मैंने रफिंग के अंदर ऑपरेशन के अंदर चेन सिलेक्शन की है वही सेम टू सेम चेन सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टूल सिलेक्शन करना है, तो रफ टर्न ऑफ फिनिशिंग के लिए मैंने टूल सिलेक्शन कर लिया। ये वह इसके टूल के लिए एडिट करके जो मुझे नोज रेडियस लेनी है वो 0.4 का नोज रेडियस ले लेता हूँ। देन यहाँ पे मुझे देनी है फीड, फिनिशिंग के लिए फीड को थोड़ी सी कम रख लेते हैं। स्पेंडल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पे लिख देते हैं फिनिश। अब हम बात करते हैं रेफरेंस। सो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट सिलेक्शन कर लेते हैं एंड सेकेंड वन ओके। अब हम बात करेंगे फिनिशिंग के बारे में कि फिनिशिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहले आता है हमारा फिनिशिंग का डेप्थ, कि फिनिशिंग के अंदर डेप्थ ऑफ कट कितना रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल फिनिशिंग के लिए मैंने डेप्थ ऑफ कट रखा है 0.3। अब फिनिश पासेस कितना रखना चाहते हो, सपोज़ मैंने फिनिश पासेस रखे हैं नंबर ऑफ फिनिश पासेस 2 नंबर ऑफ फिनिश पासेस, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 0.3 का डेप्थ ऑफ कट देगा फिनिश कट के दौरान, और नंबर ऑफ फिनिश पासेस कितने रहेंगे 2। तो ये इजी और सिंपल मेथड रहता है। जो जो हमें क्या करना है, जितने ज़्यादा ब्लॉक्स के बारे में मालूम होगा उतना ही हमारे लिए ईजी होता है। सो आई विश कि आपको समझ में आ गए होंगे तीनों ही ऑपरेशन। सबसे पहला हमारा फेसिंग, देन रफ टर्निंग एंड लास्ट एंड फाइनल फिनिशिंग। सो आई विश कि सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होगी। थैंक यू।